एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा करेले की रेसिपी। और इन करेलों को हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। और इस तरीके से अगर आप करेले बनाते हैं तो आपका मसाला भी नहीं जलेगा और बहुत ही टेस्टी भरवा करेले बनेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। भरवा करेले बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के करेले लिए हुए हैं। करेले बहुत ज़्यादा बड़े ना लें और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे करेले लें, तो मीडियम साइज़ के भरवा करेले ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन्हें हम अच्छे से पील कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पीलर की हेल्प से हमें इन्हें ऊपर की हल्की हल्की सी स्किन निकाल देनी है। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे करेले पील करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये करेले छील करके तैयार कर लिए हुए हैं। अब आप देखिएगा कि इन्हें हमें कट किस तरीके से करना है। तो बस इस तरीके से हमें इसे बीच से कट करना है। बहुत ज़्यादा लंबा कट ना लगाएं, अदरवाइज मसाला निकलने लगता है। और इस तरह से कट लगाने के बाद इसके अंदर जो बीज वगैरह हैं उन्हें हम निकाल देंगे। तो एक फिंगर की हेल्प से आप इसे बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से हम करेले के अंदर जितने भी बीज हैं निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि करेले के अंदर बहुत जगह हो जाएगी और आप ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला फिल कर पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से ये करेला कट करके तैयार किया हुआ है। इसी तरह से हमें सारे करेले काट के तैयार करने हैं। तो यहाँ पर हमने सभी करेलों में चीरा लगा लिया हुआ है और इसके जो बीज हैं उन्हें हम फेंकेंगे नहीं। अगर आप बीज नहीं पसंद करते हैं तो आप उनका इस्तेमाल ना करें। अब हम करेलों में थोड़ा सा इस तरह से नमक लगा देंगे और 5-10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तब तक हम यहाँ पर ये प्याज ली हुई है, तो लगभग 4 से 5 मैंने प्याज ली हुई है। प्याज को इस तरीके से हमें हल्का सा क्रस्ट करना है। आप चाहें तो मिक्सी में भी दरदरा कट कर लें, यानी कि दरदरा पीस लें। तो ये देखिए, हमने इस तरह से प्याज को बिल्कुल क्रस कर लिया हुआ है। आप चाहे तो कद्दूकस कर लें, बट इसका बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन करेलों को बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने से हमारे करेले हैं वो कड़वे भी नहीं बनेंगे और इन्हें भूनने में हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और करेले का जो मसाला है वो भी नहीं जलेगा। तो ये देखिए, हमने पानी में ये करेले डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया हुआ था। और जब तक करेले हमारे पक रहे हैं तब तक हम करेले के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो एक पैन में हमने 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला हुआ है। तेल गर्म हो जाएगा, 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे। 1 पिंच हींग डाल देंगे और जीरा और सौंफ को अच्छे से चटकने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जीरा और सौंफ अच्छे से भुन गया है। तो अब हमने ये जो प्याज को क्रश करके रखा हुआ है वो डाल देंगे और इसी के साथ साथ जो करेले के बीज हैं वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि मेरे घर में सबको ये बीज बहुत पसंद है। अगर आपके यहाँ बच्चों के लिए बीज नहीं पसंद हो बच्चों को, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि इसे हटा सकते हैं। आप चाहें तो अगर ताजे करेले हैं तो आप करेले का जो छिलका है वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि हमारी प्याज अच्छे से भुन जाएगी। तो प्याज को भूनते वक्त बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो बहुत ही आसानी से प्याज भुन जाती है। मीडियम फ्लेम में हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। इधर हमारे जो करेले हैं उन्हें हमने 7-8 मिनट बॉयल कर लिया हुआ है। इन्हें हमें सिर्फ 70-80% ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब हम इसे एक छलनी में निकाल देंगे और जिस साइड से हमने कट लगाया था उसे नीचे कर देंगे, ताकि इसके अंदर का जो पानी होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना पानी करेले के अंदर भरा हुआ था वो भी निकल गया है। तो इन्हें हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये हल्के से ड्राई हो जाएंगे। और इधर हमारा मसाला भी अच्छे से भुन रहा है। तो ये देखिए, अब ये हमारी जो प्याज है अच्छे से भुन चुकी है। तो हम इसमें 2 चम्मच के जितनी धनिया डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर में डाल रही हूँ, 1 कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें आमचूर का पाउडर डालेंगे जो कि अच्छी सी खटास देगा, और 1/2 छोटी चम्मच हमने इसमें मेथी का पाउडर डाला हुआ है। तो करेले में आप मेथी जरूर डालिएगा। तो ये देखिए, मसाले को हम धीमी आंच में 2 से 3 मिनट तक इसके साथ मिक्स करते हुए अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद देखेंगे कि आपकी
स्टफिंग जो होगी वो धनिया की वजह से हल्की सी ड्राई हो जाएगी, ताकि आप करेले में इसे बहुत ही इजीली स्टफ कर पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से भून करके ये करेले का मसाला तैयार कर लिया हुआ है, और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त करेले का मसाला बनके तैयार है। तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, और ये करेले भी हमारे थोड़े ठंडे हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से इसमें हम अच्छे से मसाला फिल कर देंगे। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मसाला आप इसमें फिल कर सकते हैं, क्योंकि अंदर बहुत जगह है। तो ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से मसाला फिल कर देंगे, और इस तरह से हल्का सा दबाते हुए इसे सील करेंगे। आपको धागे से बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहें तो इसे धागे से भी बांध सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारे करेले भर के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने सभी करेले जो हैं वो भर के तैयार कर लिए हुए हैं, और अब बारी आती है इन्हें भून फ्राई करने की। तो एक कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच ही सरसों का तेल डालेंगे, तेल ज़्यादा नहीं डालना है आपको। और तेल गरम हो जाएगा तो फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे, और एक एक करके हम इसमें ये करेले रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे करेले हम इसमें इस तरह से रख देंगे, और फ्लेम को आपको धीमा रखना है, ताकि आपके करेले अच्छे से पके और बिल्कुल भी जले नहीं। थोड़ा सा इसके ऊपर आप नमक डाल दीजिएगा। 3 से 4 मिनट तक इसे धीमी आंच में पकाने के बाद आप ढक्कन खोल के देखिए, और इसे हल्का सा घुमा दीजिए, ताकि करेले जो हैं वो चारों तरफ से अच्छे से पकें। और जितने ही अच्छे से करेले भुनेंगे, करेले का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। वैसे तो हमारे करेले जो हैं वो पहले ही हमने बॉयल कर लिए हैं, जिससे कि उसकी कड़वाहट भी निकल गई है, बट इस तरीके से जब ये भुन जाएंगे तो इनका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसे धीमी आंच में आपको घुमा घुमा के अच्छे से भुनना है। आंच को बिल्कुल धीमा रखिएगा, आपके करेले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे करेले अच्छे से बन करके तैयार हैं, और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने हैं। आई होप कि आपको मेरी ये भरवा करेले की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।